नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और क्रांतिकारी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो है हेमरॉइड्स के बारे में, हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स के बारे में। आप लोग बोलेंगे तो बड़ा कॉमन टॉपिक है और यूट्यूब पर तो 50,000 से ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर हैं, पर देखिए यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो हैं वो लोगों के कितने काम आ रहे हैं ये तो लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर हम पाइल्स के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़, मैं व्यूअर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लोगों को जनरली पाइल्स, फिशर और फिस्चुला के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, तो अगर आप भी उस कन्फ्यूजन के शिकार हैं तो फिर मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है फिशर के बारे में, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में क्या डिफरेंस होता है। उसका जो लिंक है वो ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करिए, तो यू विल नो ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम ए टू जेड अबाउट द पाइल्स। तो दोस्तों, बिना देरी करें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाइल्स क्या होता है, पर पाइल्स से पहले, पाइल्स को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइल्स बनती क्यों है। देखिए, उन वीडियोज़ में जिनकी मैं बात कर रहा था उसमें पाइल्स बताया गया है, बहुत अच्छी बात है, उसका इलाज बताया गया है वो भी बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया गया है, पर उसके अंदर एक चीज़ जो आम आदमी को जनरली नहीं पता है, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस में, उन तक को नहीं पता है कि पाइल्स क्यों बनते हैं। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे और पाइल्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इस स्लाइड के अंदर। मानव शरीर के अंदर दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा दैट इज़ ऑन द सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके लिए आपको इस वीडियो का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तभी आप सिरोसिस ऑफ लीवर को समझ पाएंगे। तो पहली चीज़ हम देखने का कोशिश करेंगे कि बॉडी के अंदर कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो आज ये आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लाल कलर होता है दैट रिप्रेजेंट्स द प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एनाटॉमी में उसको रेड कलर से बताया जाता है, और जो डी ऑक्सीजनेटेड या फिर यूज्ड ब्लड होता है जो कि हमारे सेल्स यूज़ कर लेते हैं, उसमें से वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं और उसके बदले में अपने मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब उसमें मिला देते हैं तो उस ब्लड को हम बोलते हैं वेनस ब्लड। तो जो वेनस सिस्टम, एक हमारी बॉडी के दो मुख्य सिस्टम हैं, ये जो आप इस स्लाइड के अंदर राइट साइड पे देख पा रहे हैं ये है हमारे शरीर का सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये हमारे शरीर का है वेनस सर्कुलेशन। समझ रहे हैं आप? अब इसका रूट क्या होता है, अगर हम बात करें, क्योंकि हम ये जो वीडियो है ये पाइल्स के बारे में है, और ये शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूँ कि पाइल्स होने के पीछे लीवर फॉल्ट होता है, लीवर के अंदर डिफेक्ट होता है, तो इसलिए इसको समझने के लिए हम लीवर से स्टार्ट करेंगे। आप ये देख रहे हैं ये जो छोटी सी एक वेन जा रही है ये होती है पोर्टल वेन या पोर्टल वेन होती है, पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं हम, पोर्टल सिस्टम भी आगे समझेंगे, पर अभी हम सिर्फ सर्कुलेशन समझ रहे हैं कि ये कहाँ से शुरुआत होती है, कि पूरी बॉडी का, ये हो गया बॉडी का लोअर ट्रंक हो गया, ये किडनी हो गई और लीवर हो गई, इससे जो चीज़ें आती हैं जितनी भी वेन्स आती हैं वो सब मिलके इन्फीरियर वेना केवा बनाती हैं। इन्फीरियर वेना केवा जाती है राइट हार्ट में, राइट हार्ट के अंदर जाने के बाद वो राइट हार्ट से निकलती हैं, वो सप्लाई करती है जुगलर वेन के थ्रू, वो सप्लाई नहीं करती, वहाँ पर से ड्रेनेज होता है जुगलर वेन के थ्रू, ऊपर से वो होता है ब्रेन से आता है, ठीक है ना। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ पे, ये एट्रियम में आ रहा है ब्लड, देखिए यहाँ से भी ये एट्रियम में आया पूरा ब्लड, और यहाँ से भी एट्रियम मतलब अपर हार्ट में, राइट साइडेड का हार्ट ऊपर साइड का, वहाँ से ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से इसको पंप करा जाता है, आप ये देख रहे हैं लंग्स में, लंग्स में ये जो ब्लड है इसको ऑक्सीजनेट करा जाता है, फिर ये लंग्स से जाता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के बाद ये एट्रियम से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये जो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो लाल वाला है ये होता है आर्टीरियल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो नीला वाला होता है वो वेनस सर्कुलेशन, मतलब
राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड से जो बॉडी है वहाँ से वो प्योर ब्लड निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई जाती है, और उसके बदले में जो जब उसको ऊतक यूज़ कर लेते हैं तो वो वेनस ब्लड के रूप में, आप ये देख रहे हैं जो नीले वाले सिस्टम के रूप में, वो वहाँ से वापस आता है लंग्स में जाता है, इसका वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वो वापस से रीसप्लाई होने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब हम क्योंकि पाइल्स और लीवर की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पाइल्स के पीछे फॉल्ट होता है लीवर का, तो हम आएंगे पोर्टल सिस्टम को समझेंगे। अब आप ये जो जितनी भी नीली नीली यहाँ पे ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ये सारी वेन्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो आर्टेरियल सप्लाई है वो तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आती है। तो देखिए यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपना स्टोमक है, ये जो अपना है स्प्लीन है, और ये पेनक्रिया से पीछे जो छोटू सा छुपा हुआ है येलो कलर, यहाँ से पूरा जितना ब्लड कलेक्ट होता है वेनस ब्लड, वो सारा का सारा ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए ये जो जा रही है, ये आप देखिए यहाँ से ब्लड वेसल आके जुड़ी, यहाँ से ब्लड वेसल आके जुड़ी, और यहाँ से भी ब्लड वेसल आके जुड़ी, ये पूरा मिलके बनाता है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन अल्टीमेटली जाती है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर इस ब्लड की प्रोसेसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद अल्टीमेटली ये वेना केवा में सप्लाई होता है, इन्फीरियर वेना केवा में, और ये जो है इसको कहते हैं हम पोर्टल सिस्टम। अब जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार के सर्कुलेशन हो गए, ध्यान से सुनिएगा, आर्टेरियल या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन और वेनस सर्कुलेशन, पर हम बात कर रहे हैं लीवर के फॉल्ट के बारे में। तो ध्यान से, अब ये मेन पॉइंट है कि जब भी लीवर के अंदर ब्लॉकेज होता है एक पेशेंट के अंदर, तब उसके अंदर पोर्टल कंजेशन होगा, और जब भी पोर्टल कंजेशन होगा तो ये जो पूरा ब्लड जो वाया लीवर फिल्टर होके जा रहा है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी स्पीड जब स्लो होगी तो ये पोर्टल कंजेशन होगा। पोर्टल कंजेशन मतलब वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, समझ रहे हैं आप मेरी बात, और उस प्रेशर को कम करने के लिए शरीर क्या करेगा, डायरेक्टली कुछ ब्लड वेसल्स को बना देगा बिटवीन द वेनस सिस्टम एंड आर्टेरियल मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैं आपको मेरी आई बात समझ में, एक बार और समझिए, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लीवर में ब्लॉकेज है, लीवर का खराब या फिर लीवर का फॉल्ट ही कारण होता है पाइल्स का, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि जब लीवर में ब्लॉकेज होगा तो ये जो पोर्टल वेन से जितना भी ब्लड लीवर के थ्रू जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, वो उसका उतना मतलब एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ता है, और जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ता है तो शरीर क्या करता है, यहाँ से कुछ नई रक्त नलियाँ बनाता है जो सीधे कनेक्ट करती हैं वेनस सिस्टम को आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू, क्योंकि अभी शरीर के पास यहाँ पे ये पोर्टल कंजेशन हो गया, ये लीवर है, ये पोर्टल वेन है, अब पोर्टल वेन के अंदर आ रहा है कंजेशन, कंजेशन की वजह से जो ब्लड है वो प्रॉम्प्टली सर्कुलेट नहीं हो पाता वेनस सिस्टम से आर्टेरियल सिस्टम में। तो ये पूरा इतना बड़ा जो पाथ होता है उसको बाईपास करने के लिए बॉडी कुछ नई ब्लड वेसल्स बना देती है और उनको डायरेक्टली खोल देती है, कहाँ पे, रेक्टल रीजन में, और वही जो नई ब्लड वेसल्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फूली हुई ब्लड वेसल, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं जो हम वहाँ पे रेक्टम के रीजन में देख पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि ये जो ब्लॉकेज हो रहा है पोर्टल सिस्टम का, ये और ज़्यादा हो जाता है। जब ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि सिर्फ रेक्टम के अंदर या रेक्टम के रीजन में कुछ नई ब्लड वेसल्स को बाईपास के रूप में बनाने से भी काम नहीं चलता, तो वहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट में दो और जगह होती हैं जहाँ पे ये ब्लड वेसल खुलती हैं आके बाईपास की, उसमें से पहली है स्टोमक के अंदर, उनको स्टमक में वेरी केस बनते हैं, ये हमेशा इनके एंडोस्कोपी में दिखता है कि वेरी केस इन द स्टमक, और दूसरा इसोफेगस में। तो वेन एवर वी सी द वेरी केस इन द स्टोमक एंड इसोफेगस वी शुड कंक्लूड दैट कि इस पेशेंट का जो लीवर है, क्योंकि स्टमक और इसोफेगस में वेरी केस बनते बनते तक ये बात थम रूल है कि उसके पाइल्स तो पक्के में है और उसको पक्के में पाइल्स का पेशेंट है वो, आ गई मेरी बात। और यहाँ तक आते आते उसका लीवर बहुत ज़्यादा फॉल्ट पे हो जाता है और ही मे बी एट द वर्ज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब वो भविष्य में या तो सिरोसिस का पेशेंट हो चुका है या होने वाला है, अपन उसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि जो पाइल्स होती हैं वो और कुछ नहीं होती है, पोर्टल कंजेशन को कम करने को वेनस सर्कुलेशन और आर्टेरियल या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में रेक्टम एरिया में जो एक नया बाईपास बना देता है शरीर, उस बाईपास को हम पाइल्स बोलते हैं। और पाइल्स क्या होती है, पाइल्स कैसी दिखती है, तो साहब पाइल्स ऐसी दिखती है, ये है पाइल्स। अब पाइल्स कितने प्रतिशत आबादी के अंदर पाई जाती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पाइल्स जो होती है वो लोगों के साथ है पर उनको पता नहीं होता। सबसे मुख्य चीज़ कि कई बार उनको होती है फिशर, वो बता के आते हैं पाइल्स, इंटरोगेट करते हैं तो पता चलता है वो है फिशर। कई बार उनकी वो उनको होती है पाइल्स, वो बताते हैं कि फिशर है ना, तो ये बड़ा उनको मतलब नॉलेज नहीं है इस बारे में कि वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और फिशर और फिस्टुला, ठीक है ना। और ये बहुत सारे लोगों के अंदर है। अब इस डायग्राम में जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये है, ये इंटरनल हेमोरॉइड्स की बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स तो दोस्तों लाखों लोगों को है, उनको पता ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये इंटरनल हेमोरॉइड्स है, इसका बाहर कोई निशान कोई सबूत कुछ नहीं दिखता। पर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होती है वो भी लाखों की तादाद में लोगों को अफेक्ट करके रखती है। तो ये हो गई, हमने पाइल्स के बारे में समझा कि भाई पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, बॉडी का सर्कुलेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बाद पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम का क्या रोल होता है पाइल्स को पैदा करने में, और पाइल्स क्यों बनती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अमूमन आप सब में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पाइल्स के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और उसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। ये हैं देखिए पाइल्स के साइंस और सिम्टम्स, ठीक है ना। अ हार्ड पॉसिबली पेनफुल लंप में बी फेल्ड अराउंड द एनस, इट मे कंटेन द कोएगुलेटेड ब्लड, पाइल्स दैट कंटेन द ब्लड आर कॉल्ड थ्रम्बोज्ड एक्सटर्नल पाइल्स, ठीक है। After passing a stool, a person with the piles may experience the feeling that the bowels are still full. देखिए ये बहुत important diagnostic point है। ज़्यादातर indigestion के patients अपने पास आते हैं और वो बोलते हैं, सर मेरे को पॉटी करने के बाद वापस से ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से fresh नहीं हुआ और मेरे को फिर से लगता है जाने की गुंजाइश है। That is due to the congestion of piles. पाइल्स की जो ब्लड वेसल्स है उसमें जब कंजेशन होता है तो एक प्रकार का कंजेशन रेक्टल रीजन में होता है, और वो कंजेशन हमेशा से क्या करता है कि आपको पोटी जाने की इच्छा को हमेशा बरकरार रखता है कि आप होके आओगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आई हैड नॉट डिफिकेटेड फुल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एक सिम्टम है। रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड इज विजिबल आफ्टर द बॉवेल मूवमेंट, मतलब जब भी आप ऐसा करेंगे तो एनल रीजन में ब्राइट रेड ब्लड दिखेगा। द एरिया अराउंड द एनस इज ईची रेड एंड सोर, ये भी बहुत कॉमनली पाई जाती है समस्या कि पाइल्स के पेशेंट के अंदर जो एनल रीजन उसमें ईचिंग होती है, रेडनेस और सोरनेस होती है। पेन ऑकर ड्यूरिंग द पासेज ऑफ स्टूल, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम जनरली देखते हैं एक पाइल्स के पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। अब दोस्तों सीधे सीधे बिना बकवास के इसका अपन दवा निकालते हैं। इसकी दवा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाएं हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 90% लोगों के अंदर ये कुछ ना कुछ अच्छा प्रभावी रिजल्ट देंगी ही। अब देखिए लोगों के अंदर होम्योपैथी से रिजल्ट पैदा करना वैसे ही कठिन काम रहता है, और मेरे को अभी तक कमेंट्स में और मेरे को कॉल पे लोग मेरे को बताते हैं कि सर आपके वीडियो से जो हमने दवा देखी थी वो 90% लोगों के ऊपर काम करेगी, 10% पे क्यों नहीं करेगी। क्योंकि देखिए ये फिर भी मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं इतना एक्यूरेट मेडिसिन आपको बता रहा हूँ कि वो 90% केस में आपको सही कर देगी, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, देयर इज ऑलवेज द केसेस जिनके अंदर हमको ज़्यादा प्रिविलेज देना पड़ता है, उसके अंदर हमको एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ता है, स्पेशल केस टेकिंग करनी पड़ती है, तो वो तो ठीक है चलता है, पर ठीक है आई एम हैप्पी विद दैट। तो तीन मेडिसिन जो पाइल्स के लिए एक पेशेंट को लेना चाहिए, पहली एस्कुलस हिप्पोकेस्टेनम, इसको हमको लेना है 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। दूसरी मेडिसिन एलोसोरकेंटीना, एलोस को हमको 30 पोटेंसी में लेना है, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। और जो तीसरी मेडिसिन है दैट इज हेमामिलिस क्यू, हेमामिलिस का मदर टिंचर, इसको हमको क्यू मतलब मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है, 10-10 बूंद
एक चौथाई कप पानी में, मतलब हाफ कप का भी हाफ कप पानी में 10 बूंद डालिए और दिन में 3 बार इसका सेवन करिए। और 1 महीने के सेवन के बाद जितने भी मेरे पाइल्स के मरीज हैं वो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे इस बारे में बताइए कि आपको इस प्रिस्क्रिप्शन का फ़ायदा हुआ या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए, अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।